इस वीडियो में हम लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने मार्जिन कमांड, ओरिएंटेशन कमांड, साइज कमांड, कॉलम कमांड के बारे में जाना। आज हम ब्रेक कमांड के बारे में जानेंगे कि ब्रेक कमांड क्या होती है। ये तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे, जैसे पेज है, कॉलम है, टेक्स्ट रैपिंग है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक क्या होती है? पेज ब्रेक को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आते हैं। ये सपोज करो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, हम चाहते हैं कि ये यहाँ से दूसरे पेज में आ जाए, यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए। तो हम यहाँ पे अपना ये कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद हम लेआउट टैब के ब्रेक में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक किया और पेज यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये दूसरे पेज में चला जाएगा। ये देखो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये दूसरे पेज में आ गया ये और ये फर्स्ट वाला हमारे यहाँ पे रहा ये। तो ये हमारी पेज ब्रेक है। तो इस प्रकार हम पेज में दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा, जैसे हमने इसको अंडू किया, ये अंडू करने के बाद हमारे पास ब्रेक में दूसरी जो कमांड है हमारे पास कॉलम की है। कॉलम इसका मतलब ये, सपोज करो हम ये दो पैराग्राफ ये सिलेक्ट करते हैं। ये पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कॉलम पे गए, कॉलम पे जाने के बाद टू कॉलम, ये जो दो पैराग्राफ हैं इसके हमने दो कॉलम बनाए। ये देखो ये यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये हमारे पास दो कॉलम बन के आ जाएंगे। तो यहाँ पे कॉलम ब्रेक देने के लिए सपोज करो यहाँ पे ये हमारी दो कॉलम है, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो हमने इसको ब्रेक देनी है। तो ब्रेक देने के लिए हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, ये यहाँ पे हमने कर्सर रख दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉलम ब्रेक देनी है, यहाँ पे ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे जाने के बाद यहाँ पे कॉलम ब्रेक यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ का जितना भी टेक्स्ट है ये यहाँ पे दूसरे कॉलम में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे कॉलम ब्रेक भी दे सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे अंडू किया, ये अंडू करने के बाद अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ब्रेक में टेक्स्ट रैपिंग का। तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ हम यहाँ से इसको नीचे लाना चाहते हैं इसी पैराग्राफ में। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कर्सर रखेंगे। अगर नीचे लाने के लिए एक तो हम एंटर के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने सपोज करो ये एंटर दबाया, ये देखो तो ये दूसरा पैराग्राफ बन जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, इसी पैराग्राफ में इसको रखना है, जैसे अंडू किए इसको, इसी पैराग्राफ ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसी में रखना है। तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे ब्रेक में और टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो ये जितना भी है ये इसी पैराग्राफ में आ जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पे हम टेक्स्ट रैपिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये करने के बाद अगला जो है हमारे पास, ये अंडू किया इसको, ये अंडू करने के बाद जो अगला है हमारे पास सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में अगर हमने यहाँ पे क्या करना है, ये सेक्शन ब्रेक यहाँ पे देनी है। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने एक ये फर्स्ट पेज है हमारे पास, ये हमारा सेकंड पेज है, इसको हम छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे पेज बना लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने इसको ये साइज इसका बढ़ाया, ये छोटा किया, ये किया। यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये सेक्शन ब्रेक, ये फर्स्ट सेक्शन बनी हमारे, ये सेकंड सेक्शन बन जाएगी। तीन पेज जो हैं सेकंड सेक्शन इसमें आए, ये फर्स्ट दो जो हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन में आए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, थर्ड पेज पे क्लिक करेंगे स्टार्ट में, और यहाँ पे जाएंगे ब्रेक में, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद ये जो है हमारा पहला सेक्शन बन गया है और ये हमारा दूसरा सेक्शन बन गया है। इसको समझने के लिए सपोज करो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमने अपना कर्सर रखा यहाँ पे, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे पेज लाइन नंबर यहाँ पे जाएंगे और लाइन नंबर पे जाने के बाद यहाँ पे हम रीस्टार्ट ईच सेक्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो ये जो है हमारे जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग जो है ये हमारे पहले वाले सेक्शन में आ गई और ये हमारी दूसरी सेक्शन है। यहाँ पे हमने अगर नंबरिंग देनी है तो यहाँ पे जाएंगे हम लाइन नंबर्स, लाइन नंबर पे जाने के बाद अगर हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू तो ये यहाँ से ये जो नंबरिंग है यहाँ से कंटिन्यू आ जाएगी। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे की, ये नंबरिंग यहाँ से कंटिन्यू नंबरिंग यहाँ पे आ गई। अगर हम यहाँ पे ये जो हमारी फर्स्ट से है, हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट से नंबरिंग आए, तो हमने क्या करना है यहाँ पे क्लिक करके ये जो हमारा ये पहले हम क्या करते हैं ये अंडू कर लेते हैं। ये अंडू करने के बाद अगर हमने इसको अलग से, ये हमारा दूसरा सेक्शन है, ये तीन पेज जो है हमारी दूसरे सेक्शन में है, इसमें अलग से नंबरिंग देनी है एक से, तो हम क्या करेंगे ये यहाँ पे जाएंगे रीस्टार्ट ई सेक्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो हमारे पास यहाँ पे नंबरिंग एक से स्टार्ट हुई और यहाँ से हमारी जितनी भी है ये नंबरिंग यहाँ तक आ जाएगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पे हर एक सेक्शन के नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये अंडू कर लेते हैं पहले, ये हमने सारा ये अंडू किया। अंडू करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं। ये हमने इसका साइज बढ़ाया। ये बढ़ाने के बाद आगे हम जाएंगे ये जैसे ब्रेक पे हमने क्लिक किया, आगे फिर कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक किया, तो कंटिन्यू अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास दो ये हमारा ये फर्स्ट पेज है, इसमें क्या करना है हमने इसके दो हमने पार्ट करने हैं। जैसे ये देखो हम इसका साइज यहाँ पे बढ़ा के ये जैसे हमने यहाँ पे पार्ट ये वन है, यहाँ पे हमने लिखा ये जैसे ये वन लिखा ये वन, और यहाँ पे हमने टू लिखा, ये देखो टू लिखा। लिखने के बाद अगर हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो ये ब्रेक पे जाने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमने इसका साइज कम किया, ये देखो हमने साइज इसका कम किया। साइज कम करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारा ये वन टू थ्री, अगर हम यहाँ पे ये ब्रेक में जाने के बाद इवन नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टू आएगा, टू फोर सिक्स इस हिसाब से आएंगे, और अगर हम ऑड करेंगे तो हमारा पेज जो है वन थ्री फाइव इस हिसाब से आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया इसको कि ये हमारा जो यहाँ पे ब्रेक है ये जो सेकंड पार्ट है ये टूट के हमारे यहाँ पे थर्ड पेज पे आए, तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे ऑड पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कर्सर रखेंगे और कर्सर रखने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रेक में जाएंगे और ऑड पेज पे जाएंगे। ये देखो ऑड पेज पे क्लिक करते ही ये जो है यहाँ पे फर्स्ट का जितना भी है ये सेकंड पार्ट, ये जो है सेकंड पार्ट हमारा किस में चला गया, ये थर्ड पेज पे चला गया। ये देखो जितना भी है ये थर्ड पेज पे आ गया, तो सेकंड पेज हमारा यहाँ से चला गया। तो इस प्रकार हम ऑड नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये थर्ड फोर ये हमारा थर्ड आ गया, सेकंड हमारा यहाँ पे गायब हो गया। इसके बाद अंडू किया इस यहाँ पे हमने, अगर इसी को हम चाहते हैं कि दूसरे पेज में आए, ये दूसरे पेज में आए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक में जाने के बाद इवन पे क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे इवन पे है, हमने क्लिक किया तो ये हमारा टूट के ये इवन पेज पे आ जाएगा। ये देखो सेकंड पेज है ये हमारा, ये सेकंड पेज पे आ जाएगा।
तो इस प्रकार हम फर्स्ट ओड नंबर या इवन नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये करने के बाद अगला हमारा ये जितना भी है हमारे पास पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक, इसके बारे में जाना। इसके बाद हम अंडू करते हैं, ये हमने सारे ये अंडू किए। ये अंडू करने के बाद ये जैसे हम यहाँ पे गए, ये पेज बनाने के बाद ये साइज यहाँ पे बढ़ाया है, ये हमने ये साइज रखा है, ये हमने इसको अंडू किया है। अंडू करने के बाद ये हमारे पेज जितने भी हैं ये सभी पेज आ जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, इसको नंबरिंग यहाँ पे सपोज करो हम यहाँ पे पेज नंबर दे देते हैं, ये यहाँ पे ये हमने पेज नंबरिंग यहाँ पे सेट कर दी है। सेट करने के बाद ये हमारा फर्स्ट पेज है, यहाँ पे हम लेआउट टैब पे जाएंगे। इसके बाद सेकंड है हमारे पास लाइन नंबर। लाइन नंबर्स यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नन। नन का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें कोई भी लाइन नंबर नहीं चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि ये जितना भी हमने ये पैराग्राफ लिखे हुए हैं सभी के लिए लाइन हो जाए, लाइनों में आ जाए, जैसे 1, 2, 3, 4 इस हिसाब से आ जाए, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो ये हमारा, ये देखो ये नंबर पे आ गया, ये जितना भी हमारे लिखा हुआ ये सभी नंबर पे आ गया। ये देखो जितना भी है सभी लाइनों के लिए नंबरिंग यहाँ पे सेट हो गई। तो इसके बाद यहाँ पे अंडू, अंडू के बाद हम सेकंड रीस्टार्ट ईच पेज। इसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबरिंग है ये रीस्टार्ट हो और एक से स्टार्ट हो दोबारा से। जैसे ये हमारा पेज है, ये फर्स्ट पेज है, यहाँ पे जैसे सपोज करो ये हमारा यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे लास्ट है ये। तो इसके बाद ये हमारा सेकंड पेज है, ये सेकंड पेज यहाँ पे फिर यहाँ पे एक से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रीस्टार्ट ईच पेज। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे कर्सर रखा, इसके बाद लाइन नंबर पे गए, लाइन नंबर पे रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच पेज यहाँ पे क्लिक किया। ये देखो यहाँ पे नंबरिंग फर्स्ट पेज पे 1 से स्टार्ट होके ये हमारी 27 तक आ गई। इसके बाद ये सेकंड पेज है हमारा, सेकंड पेज में क्या हुआ, ये एक से नंबरिंग फिर स्टार्ट हुई और ये हमारी नंबरिंग 28 तक आई। इसके बाद ये हमारा थर्ड पेज है, यहाँ भी एक से नंबरिंग स्टार्ट हुई और ये हमारी लास्ट नंबरिंग 27। तो इस प्रकार ईच पेज के लिए ये नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद ये अंडू किया हमने। अगला है हमारे पास रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो इसमें समझने के लिए हम यहाँ पे ब्रेक में जाएंगे। ब्रेक में जाने के बाद हम नेक्स्ट पेज यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट पेज पे क्लिक करने से पहले हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे स्पोज करो ये हमारा पहला ये पेज है, अगला हमारा ये सेकंड पेज है। सेकंड पेज के बाद ये दो पेज की एक सेक्शन बनाएंगे हम, और ये जो अगला पेज है इसकी ये थर्ड पेज है, अगला फोर्थ है और फिफ्थ है, इनकी दूसरी सेक्शन बनाएंगे हम। तो ये फर्स्ट और सेकंड एक सेक्शन में रखेंगे, जैसे यहाँ पे ये सेकंड सेक्शन में रखेंगे। तो हम ब्रेक में जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने कर्सर फिर ये फर्स्ट पेज पे रखा, सपोज करो ये हमारा ये फर्स्ट पेज है, ये यहाँ पे कर्सर रखा, लाइन नंबर पे गए, यहाँ पे रीस्टार्ट ईच सेक्शन को समझने के लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक किया रीस्टार्ट ईच सेक्शन, यहाँ पे क्लिक किया। ये देखो एक सेक्शन यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट हुई है एक से, और ये देखो ये हमारी नंबरिंग जो है ये सेकंड पेज में ये 27, ये 28 नीचे आ गई है। 28 के बाद ये हमारी जो नंबरिंग है 55 यहाँ तक रही। ये हमारे दो पेज का एक सेक्शन बनाया था, तो यहाँ तक ये नंबरिंग आ गई। तो इसके बाद अगर हम आगे यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं ये, तो ये हमारी दूसरी सेक्शन है। तो ये थर्ड पेज है हमारा, ये तीसरा पेज है हमारा, इसके बाद ये चौथा पेज है हमारा, और ये हमारा अगला पेज है। तो इस प्रकार ये हमारे
जो अगले 3 पेज हैं ये हमारे अगले सेक्शन में आएंगे। तो यहाँ भी हमने क्या करना है, ये नंबरिंग सेट करनी है। तो यहाँ पे हमने कर्सर रखा और यहाँ पे क्लिक किया रीस्टार्ट ई सेक्शन, यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे 55, इसके बाद ये हमारा थर्ड पेज है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारी नंबरिंग है, ये देखो ये थर्ड पेज हो गया, ये फोर्थ पेज हमारा आ गया ये, और ये अगला हमारा फिफ्थ पेज आ गया। तो ये हमारी 2 सेक्शन है और इस प्रकार हम यहाँ पे नंबरिंग सेट कर सकते हैं। इसको अगर हम ये छोटा करेंगे, ये देखो यहाँ से नंबरिंग, ये हमारी नंबरिंग जो है एक सेक्शन की नंबरिंग है, ये जितने फर्स्ट और सेकंड पेज हमारे एक सेक्शन है और अगले थर्ड फोर्थ और फिफ्थ हमारा अगली सेक्शन है। तो ये अगली सेक्शन हमारी ये नंबरिंग अगली के लिए सेट होगी। तो इस प्रकार यहाँ पे हम नंबरिंग सेट कर सकते हैं हर एक सेक्शन के लिए। इसके बाद हम इसको बड़ा करते हैं, ये पेज को यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद अंडू किया। ये अंडू करने के बाद अगली जो हमारी जो ऑप्शन है ये सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया हुआ है, ये जो हमारी नंबरिंग है ये कंटिन्यू पे क्लिक किया हुआ है, ये तो ये हमने ये सेट किया हुआ है। सपोज करो ये हमारा जो ये 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो हमारी लाइन है ये जो है एक लाइन के ये जितने भी हैं ये इनको हमने क्या करना है, ये अगला ऑप्शन यूज़ करना है। ये जैसे यहाँ पे गए और सुप्रेस किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हमारे पास ये कट हो जाएगी और 8 और यहाँ से जो नंबर है वो 9 नंबर यहाँ से आएगा, ये इसमें ही सप्रेस हो जाएगा। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ से नंबरिंग हट गई और जो अगली नंबरिंग है यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो इस प्रकार हम इसको सप्रेस कर सकते हैं। ये तो ये अगला ऑप्शन हमारे पास हो गया। ये इसके बाद है अंडू के लाइन नंबर पे लाइन नंबरिंग ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सपोज करो दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए ये जो हमारा सेक्शन है इसके लिए हमने ये सपोज करो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ये इसके लिए सेट करना चाहते हैं कुछ है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लाइन नंबर के ऊपर और लाइन नंबरिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्टेड सेक्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे, लाइन नंबर यहाँ पे सपोज करो हम ये स्टार्ट करना चाहते हैं, ये जो हमारी लाइन नंबर है ये कहाँ से स्टार्ट हो यहाँ पे नंबर सेट करेंगे। ये जैसे मैंने 5 रखा यहाँ पे और ओके का ये किया, ये देखो ओके किया। यहाँ पे बॉर्डर इसके लिए अगर सेट करना है तो बॉर्डर भी हम सेट कर सकते हैं। ये सपोज करो ये बॉर्डर या अगला कोई बॉर्डर हमने ये सेट करना है, ये बॉर्डर सेट किया, ओके किया। तो ये देखो हमारा ये जो नंबर है ये 5 से स्टार्ट होगा ये, और ये जो पैराग्राफ था जो हमने सेलेक्ट किया था ये बॉर्डर में आ गए। तो लाइन नंबर में ये हमारे ऑप्शन थे। अगली कमांड जो है हमारे पास हाइपरनेशन की है। हाइपरनेशन का मतलब ये होता है कि हमारा ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे हमारा सपोज करो ये हमारा पैराग्राफ है, यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है, तो वीडियो जो है आधा यहाँ पे आ रहा है और आधा अगली लाइन पे आ रहा है, तो इसको बोला जाएगा हाइपरनेशन। तो हाइपरनेशन में हमारे पास ये 3 ऑप्शन है, ये नन का, नन पे क्लिक करेंगे तो कोई भी हाइपरनेशन यहाँ पे नहीं आएगा। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो अपने आप ही यहाँ पे हाइपरनेशन जो जो वर्ड हो रहा है वो आ जाएगा। ये यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया ऑटोमेटिक पे तो ये अपने आप ही यहाँ पे जो भी हाइपरनेशन है यहाँ पे आ गई। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड, यहाँ पे ये देखो हाइपरनेशन बन गया, तो ये ऑटोमेटिक ही कमांड के जरिए यहाँ पे ये अपने आप ही ये बन गया। ये तो इसके बाद है हमारे पास अगला हाइपरनेशन, नन किया हमने अगर हमने इसको मैनुअल करना है तो यहाँ
यहाँ पे क्लिक करेंगे मैनुअल। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो हाइफनेट, हाइफनेट क्या करना है अब कोऑर्डिनेटेड, यहाँ पे हाइफनेट करना है कि नहीं करना है। इसके बाद अगर करना है तो हम यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना है तो हम नो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम यस पे क्लिक करेंगे, ये देखो यस पे क्लिक किया। इसके बाद अगला जो है, अगला है डॉक्यूमेंट, ये भी आगे पूछ रहा है कि ये हाइफनेट करना है या नहीं करना है। तो इसको अगर हाइफनेट करना है तो हम यस पे क्लिक करेंगे, ये भी हो जाएगा ये। तो अगला फिर से ऑप्शन यहाँ पे आ गया कोऑर्डिनेटेड, अगर करना है तो ये हाइफनेट हो जाएगा, नहीं करना है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पे मैनुअल भी हाइफनेट इसको कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।